उज्जैन संभाग का मुख्यालय है और उज्जैन शहर के अंदर आने वाले शहर तहसील और गांव में निवास करने वाले बड़ी संख्या में मजदूर गरीब परिवार के लोग पहुंचते हैं और यहां पर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। पर इस समय लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो जाने की वजह से ये लोग बेहद परेशान हैं और अब काम धंधा रोजगार नहीं होने की वजह से ये अपने गाँव अपने घर अपने शहर जा रहे हैं। बसें चल नहीं रही तो पैदल जा रहे हैं। साथ ही कई महिलाएं बच्चे परिवार के सदस्य मुख्य रोड पर धूप के अंदर बैठकर बसों का इंतजार कर रहे हैं ताकि बसें आए और अपने घरों को पहुंचा जा सके। पर इस समय स्थिति बेहद खराब है। आवागमन के वाहन साधन बंद है, मुख्य रोड सुनसान है और गरीब मजदूर परिवार परेशान है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शहर और तहसील के अंदर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, व्यापार व्यवसाय को बंद किया जा रहा है। क्या अड़चनें होंगी, क्या समस्याएं होंगी और किस प्रकार से लोग परेशान होंगे और क्या इसके परिणाम रहेंगे? देखिए, जो व्यापार व्यवसाय बंद करने का जहां तक है, वहां पे जो छोटे व्यापारी हैं, मजदूर हैं और जो भी छोटे किसान हैं, उन सबको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। ये मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन किसी प्रकार से बीमारी रोकने का कोई लॉकडाउन हल नहीं है। इससे तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए और जागरूकता है भी सही लोगों में। और कुछ लोग ऐसे निकल रहे हैं कि जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है बिल्कुल और उनको हॉस्पिटल में ले गए, उनको कोरोना बता दिया। और तो लॉकडाउन कोई हल नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद तो बीमारी समाप्त हो गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है, अपना ख्याल रखे लोग बात, तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी टीका उत्सव मना रहे हैं और यहाँ एक और हॉस्पिटल और अन्य जगह टीकाओं की प्रॉब्लम हो रही है, पूरे टीका उत्सव मनाया जा रहा है। देखो, टीका उत्सव मनाने का इनको कोई अधिकार है नहीं। टीके तो है ही नहीं। टीके 100 जहाँ 200 की आवश्यकता है उसको भेज रहे हैं किसी गाँव में, और कहीं कहीं तो टीके किसी गांव में तभी तक टीके पहुंचे भी नहीं। और अगर टीका अगर लग भी रहा है तो फिर लॉकडाउन की क्या ज़रूरत है? तो ये जो दो तरफा जो बात की जा रही है वो ठीक नहीं है। और लॉकडाउन तो कहीं से कहीं तक हल नहीं है। सब लोग परेशान हो रहे हैं, सबके व्यवसाय ठप हो रहे हैं। मजदूर कुछ लोग तो ऐसे जो रोज़ कमाते हैं रोज खाते हैं, उनकी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। पिछले साल लोग हज़ारों किलोमीटर आए चल के। तो ये केवल नाकामी छुपाने का, एक सरकार की नाकामी छुपाने के लिए लॉकडाउन का प्रयोग किया जा रहा है बस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।